हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए एक नया अपडेट लेकर आया हूं। दोस्तों, यह अपडेट एडमिशन के हवाले से है। दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने एडमिशन नोटिस रिलीज़ की है जो कि पीजी, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए है। दोस्तों, यहां पर हम नोटिफिकेशन में देखेंगे कि कैसे आपको इन कोर्स के लिए अप्लाई कर देना है और क्या इसका फ़ीस रहेगा और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, पूरी जानकारी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन टू द बिलो मेंशनड पीजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज फॉर द एकेडमिक सेशन 2023 के लिए ये एडमिशन नोटिफिकेशन आई है। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू परस्यू द प्रॉस्पेक्टस एडमिशन पॉलिसी अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। दोस्तों, जो प्रॉस्पेक्टस 2023 है वो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप चाहे तो उसको चेक कर सकते हो, पर आप इन डिटेल एलिजिबिलिटी और बाकी डिटेल्स देख सकते हो। तो यहाँ पर हम आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, आपको यहाँ पर प्रॉस्पेक्टस देखने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में ये डिप्लोमा कोर्सेज के लिए एडमिशन आया है। यहाँ पर देखिए, पीजी डिप्लोमा कोर्स इन हिंदी एंड पर्शियन, डिप्लोमा कोर्स इन फ्रेंच, जर्मन, रशियन, संस्कृत, सर्टिफिकेट कोर्स फ्रेंच, जर्मन, रशियन, मॉडर्न स्पोकन पर्शियन, संस्कृत। तो इन सारे सब्जेक्ट्स में आप डिप्लोमा के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। इशुएंस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है 27 मार्च से ही आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और लास्ट डेट जो रहेगा इसका और फीस का भी वो 7 अप्रैल तक रहेगा। दोस्तों, अब यहाँ पर हम देखें मोड ऑफ सिलेक्शन। यहाँ पे कहा गया है कि द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर द एडमिशन टू द प्रोग्राम शैल बी स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द एकेडमिक मेरिट, यानी यहाँ पर आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना होगा, सिर्फ आपका जो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है यानी जो आपके पास डिग्री है उसमें आपके कितने परसेंटेज आई है उसी के बिना पर यहाँ पर आपका मेरिट लिस्ट आएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि एडमिशन प्रोसेस की कैसे आपको अप्लाई कर देना है। तो सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक कर देना है जो कि यहाँ पर दी गई है। तो इस वेबसाइट को मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इस वेबसाइट पर क्लिक करके फॉर्म भर सकते हो। दोस्तों, जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको एक ऑप्शन आएगा रजिस्टर एज स्टूडेंट, तो वहां पर आपको रजिस्टर कर देना है। तो वहां पर आपको कोई भी पासवर्ड क्रिएट कर देना है, उसके बाद आपको फिर रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करके लॉगिन कर देना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास फॉर्म आ जाएगा, जो फॉर्म आपको फिलअप कर देना है उसमें आपको अपनी बायोडाटा देनी है और अपना फोटोग्राफ वगैरह देना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको डिज़ायर्ड प्रेफरेंसेस चूज़ कर देने हैं, यानी कौन से कॉलेजेस या कौन से कैंपस के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको चेक करना है कि आपने जो डिटेल्स फिलअप की है क्या वो सही हैं। अगर वो सही हैं तो आप सबमिट पर क्लिक कर दीजिए, अगर कहीं पर कोई चेंज करनी है तो प्रीवियस पर क्लिक करके पहले वो चेंज कर दीजिए और उसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो जब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको फ़ीस पे कर देना है। फ़ीस पे आपको जो करना है वो है 400। अगर कोई एक से ज़्यादा के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसको 250 एक्स्ट्रा हर एक एक्स्ट्रा कोर्स के लिए देना होगा। तो यहाँ पर हार्ड कापी की बात की गई है, यहाँ पे लिखा गया है कि आपको कोई भी हार्ड कापी सबमिट नहीं कर देनी है जब आप ऑनलाइन फॉर्म भर देंगे, वो आपको अपने पास रखनी है। तो दोस्तों, यह था एक अपडेट डिप्लोमा कोर्स एडमिशन के हवाले से। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।